सोच से, कभी मन के विश्वास से, उड़ने ख्वाबों को पर लगाए जो पर आकाश से, कभी हौसले से, कभी सोच से, कभी मन के विश्वास से, उड़ने ख्वाबों को पर लगाए जो पर आकाश से। दीदी है दिशा संसार को, चुनकर रहे दुश्वार जो, विश्वास और झूठे तंत्र मंत्र के खिलाफ ये लड़ाई सदियों से चलती आ रही है और संभवतः आगे भी चलती रहेगी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में अलग अलग नायक जन्म लेते रहे हैं और आज की हमारी ये कहानी वैसे ही नायिका बिरुबाला की है। असम राज्य के ठाकुर बिला गांव में बिरुबाला की शादी हुई। उनके जीवन में हालात कुछ ऐसे घटे कि गांव की बहू को घर की चौखट लांग कर समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ अकेले लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। We'll be right back.
बीरूबाला, तू समझते नहीं है, ये किसी भूत प्रेत का मामला लगता है। इसे किसी डायन ने कुछ कर दिया है। जा किसी तांत्रिक को बुला ला। तांत्रिक को बुलाने से क्या होगा, मेरा बेटा है ना। मुझे पता है कि इसकी ये हालत किसी डायन ने नहीं की है, बल्कि बीमारी की वजह से हुई है। अरे तू पागल तो नहीं हो गई है? देखिए ऐसे कोई बीमारी में करता है क्या भला। अरे मेरी बात सुन, जाके देवधानी को बुला ला, देख तेरा बेटा कैसे शांत होता है। चुप रहो, उस देवधानी का पैर भी नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इसका इलाज मैं कराऊंगी किसी डॉक्टर से। अरे चुप, सही तो कह रहे हैं लोग, देवधानी को बुलाना पड़ेगा जल्दी। खबरदार, अगर किसी ने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितनी बार समझा चुकी हूँ तुम लोगों की ये कोई इंसान डायन नहीं होता है, और ना ही तंत्र मंत्र से किसी का भला होता है। ये सब भ्रम है, मन का भ्रम। चुप, अब मैं तेरा एक भी नहीं सुनूंगा। अगर बीच में रोकने की कोशिश किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मनु, जाकर जल्दी देवदानी को बुला कर ला, जल्दी जा। ठीक है, मैं भी देखता हूँ ये कैसे रोकती है। जा जल्दी। इसे छोड़, मैं इसका इलाज कराऊंगी। चुप, बिल्कुल चुप। अगर तू चुप नहीं बैठी ना तो मुझे आता है चुप कराने तुझे। कर रखा है। शादी करना चाहती है इससे। जाएगी वो तेरे बेटे को। देवदानी जी कुछ कीजिए ना, कोई उपाय तो होगा ना, इसके लिए तो बुलाया आपको यहां पर। छोड़ दो उसे।
तुम नहीं समझ रहे हो तुम लोग। छोड़ दो धर्म को। ये सब तेरी औरत के वजह से हुआ है। उसने हम देव ध्वनियों को गाली दी है, मंत्र तंत्र को मजाक समझती है वो। बोल दे उसे संभाल जाए वरना अनर्थ हो जाएगा। तेरा घर तो बर्बाद होगा ही, पूरे गांव बर्बाद हो जाएगा। चल मैं चलती हूं, जो कुछ तुझसे बोला है लेकर मेरे पास आ। देवदानी जी थोड़ा कम कर दो, इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा? अभी आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए मुझे। कहीं से भी ला, घर के सामान बेच दे, बीबी की जेवर बेच दे, घर बेच दे, पर जो मैंने कह दिया वो कह दिया। सुन, जितना बोला है ना उससे ज्यादा लाना, क्योंकि तू ज्यादा लाएगा देवधनी जी खुश होंगी, और अगर वो खुश हो गई तो तू सुखी हो जाएगा, वो उसे ठीक कर देंगी। बस तू कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा लाना। चलो अब वक्त नहीं है मेरे पास, और भी लोगों का भला करना है। चलो देख चंद्रेश्वर, देवधानी से बैल ठीक नहीं है, जो कुछ भी तेरे घर में है ना वो सब बेचकर उसके पास चले जाना। बेटे से बढ़कर भी कुछ है क्या? बाबा माँ के पास जाना है, बाबा माँ के पास जाना है। क्या हो गया है मेरे बेटे को? बोल, तू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? कुछ खा ले, फिर मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चल। वो देवधनी को देने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर को देने के लिए कहाँ से आएंगे? जा घर के अंदर जो भी है सब कुछ लेकर आ, जाकर देवधनी को देना है। अभी ये जो शांत बैठा है ना, ये उसकी वजह से है। क्या हो गया है तुमको? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? उस देवधनी ने मार के क्या हालत कर रखी है इसकी? क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? बीमार है ये, इसके वजह से इसको दौरा पड़ता है, इलाज की जरूरत है इसको। चलो डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। अरे डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ठीक कहती है वो देवधनी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना तेरी वजह से हो रहा है। अरे सारे गांव वाले इस तंत्र मंत्र को मानते हैं तो फिर तुझे किसने कहा ये सब बकवास है? हाँ ये सब बकवास है, इसको एक बार डॉक्टर के पास लेकर चलो, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तूने सुना नहीं वो देवधनी ने क्या कहा? तीन दिन में वो चुड़ैल उसे कुछ नहीं कर पाएगी, ना ही वो चुड़ैल और ना ही तुम्हारी देवधनी। 3 दिन में क्या 3 साल में भी कुछ नहीं कर पाएगी वो मेरे बेटे का। देखो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन इतना समझ में आता है कि ये सब ढोंग है। इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं होती है। धर्मा सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा भी लाडला है, जन्म दिया है मैंने इसे, मैं इसके बारे में गलत क्यों सोचूंगी? अगर कल को इसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। तुम जो ये पैसा तंत्र मंत्र में खर्चा करने वाले हो ना, उससे इसका इलाज हो जाएगा। हाँ बाबा माँ ठीक कह रही है, मैंने भी किताब में पढ़ा है। बीरू वाला तू समझ नहीं रही है, अगर वो देवदानी को कुछ नहीं दिया ना तो पता नहीं वो क्या करेगी हमारे साथ।
मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी से बता क्या चाहती है तू, बता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पहले तू इसे छोड़कर चले जा, वरना मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर रखूंगी। छोड़ इसे, छोड़। क्या लगता है तुम लोगों को है? क्या लगता है? अरे मैं कहता हूं सूखा पड़ेगा, भुखमरी, अकाल, हर घर में मौत, हर घर में मौत। मैं कहता हूं एक दिन ये गांव ना पूरा बाढ़ में डूब जाएगा। मैं तो कहता हूं इस गांव में चुड़ैल है, इस गांव में चुड़ैल है। अभी भी समय है, बचा लो इस गांव को। मैं तुम सबसे कह रहा हूं, बचा लो इस गांव को। चंद्रेश्वर, तुम्हें हो क्या गया है? तू अपनी बीवी के चक्कर में पूरे गांव वालों को मरवाएगा? हम गांव वाले सदियों से वही करते आ रहे हैं जो हमें देवधनी कहते हैं, तू उससे दुश्मनी ले रहा है? ये नहीं, मैं ले रही हूँ दुश्मनी उससे। मैं भी देखती हूँ उस देवधनी में कितना दम है। 3 दिन में मारेगी मेरे बेटे को, 2 दिन तो हो गए, कल का दिन भी मैं देख लूंगी। अरे तेरे चक्कर में हम अपने बच्चों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। पता नहीं कब क्या हो जाए, तू नहीं जानती देवधानी को, देख लेना कल का दिन भी क्या होता है। कुछ नहीं होगा और मुझे कुछ नहीं देखना, बल्कि तुम लोगों को दिखाना है। कुछ हो गया तो मैं ये गांव छोड़ के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। तो क्या बोल रहे बीरू वाला, तेरा होश तो ठिकाने में आए? देवधनी को तू धमकी दे रही है? धमकी नहीं, चुनौती। अगर उस देवधनी में दम है तो कल तक कर ले जो उसे करना है। चंद्रेश्वर सुन रहा है ना तेरी बीवी क्या कह रही है? देख मैं अब भी कहती हूँ, जाके वो देवधानी के पैर पकड़ ले, तेरा बच्चा बच जाएगा, समझ रहा है ना तू? चलो वीरू, मुझे बहुत डर लग रहा है तेरी जीत में आके कहीं हम अपने बच्चे को खो ना दे। बेटा धर्मा, धर्मा बेटा क्या हुआ? चलो चलो इसे देवधनी के पास लेकर चलते। नहीं, डॉक्टर के पास। नहीं, देवधनी के पास। डॉक्टर के पास। देवधनी, चल। डॉक्टर के पास बोल रही हूँ ना मैं। बेटे की हालत देखकर उस दिन मैं भी डर गई थी। मैं किसी भी हाल में बेटे को बचाना चाहती थी।
अगर उसे कुछ हो जाता तो गांव वाले मेरे साथ भी वही सलूक करते जो कि कई औरतों के साथ वो कर चुके थे। देवधनी के कहने से किसी को भी डायन बताकर गांव से बाहर करना जैसे जिंदगी का हिस्सा बन गया था। सफर लंबा था पर शुक्र था कि मैं समय पर डॉक्टर के पास पहुंच गई और जांच के बाद पता चला कि बुखार का असर दिमाग में चला गया था और बेटे को दिमागी असंतुलन की बीमारी है जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहता था। उसे जरूरत थी सही इलाज की और अच्छी देखभाल की। ले दवाई खा ले। क्या कर दी तूने? डॉक्टर ने रोज दवाई खाने को बोली है ना? हाँ तू बैठ, मैं दूसरी दवाई लेके आ। भैया जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम लोग साथ में खेलेंगे। भैया भैया आप कहाँ जा रहे हो? दवाई तो खा लो। मामा भैया भाग गए। अरे क्या हुआ? पता नहीं वो कहाँ चला गया। देखो ना उसे, वो किधर चला गया? मैंने तुमको कहा था आज तीसरा दिन है, उसको एक पल भी नहीं छोड़ा था। चलो ढूंढते उसे। धर्मा 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 धर्मा। देखा, ये तो होना ही था। देवधानी को धमकी जो देती है। अपने बेटा को मार डाला, देखते बीरू बाला इस गांव छोड़कर कब जाती है। धर्मा! देवधनी जी, गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, डराया भी, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। उल्टा हमें चैलेंज कर दिया कि उसके लड़के का बल बाका नहीं हो सकता है। वो तो अच्छा हुआ लड़का घर से भाग गया, लेकिन अगर लड़का मिल गया और उसे कुछ नहीं हुआ तो नहीं बचेगा वो। जाके देख कहां है वो बच्चा। गांव वालों को जाके बोल कि उसके शरीर में चुड़ैल है, पूरा गांव तबाह हो जाएगा, हर घर में मौत का तंडव होगा। जाओ गांव वालों को बोलो कि बच्चा ढूंढ के लाए मेरे पास। धर्मा, मैं तेरे को कितनी बार बोला, देवधनी को उल्टा सुल्टा मत बोल। देख लिया ना बाबा ने बच्चे को क्या हो गया। घर से भागा, पढ़ता नहीं गया ना, टूटा हो इधर उधर होगा। धर्मा कहाँ गया मेरा बेटा?
धर्मा। देखो किसी भी हालत में आज वो लड़का चाहिए, हर हाल में। मैं कहता हूं अगर इस गांव को बचाना है ना तो आज उस लड़के को ढूंढना बहुत जरूरी है, और उसको ढूंढकर देवधानी जी के पास पहुंचाना है। बस यही एक मौका है, समझ रहे हो ना तुम लोग, समझ रहे हो ना? हाँ। देखा उस देवदानी की करतूत, गांव वालों को डरा के मेरे बेटे को मारना चाहती थी। अब मैं भी देखती हूं कैसे मारती है मेरे बेटे को। कितनी बार कहा है तुम लोगों से मैंने, कोई इंसान डायन नहीं होता है, उसे बना दिया जाता है। तीन दिन में मेरा बेटा मर जाएगा बोला था ना देवधनी ने। देख मेरा बेटा अभी भी जिंदा है। अरे ये तो बीमार है, बीमारी की वजह से थोड़ा उल्टी सीधी हरकतें करता है। उस देवधनी ने तुम लोग का दिमाग खराब करके रखा है। बीरू वाला तुम सच बोल रही हो, हमारा दिमाग खराब हो गया था। हम लोगों ने अनजाने में न जाने कितनी औरतों के साथ में उन्हें डायन बनाकर उनके साथ बुरा सलूक किया है। तुमने हमारी आज आंखें खोल दी है। हमें माफ कर दो वीरू बाला, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस देवधनी और उसके चेले के चक्कर में आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो जाता है।
तुमने इतना बड़ा अपराध करने से हम सबको बचा लिए, हमें माफ कर दो बीरू बाला, माफ कर दो, हम सबको माफ कर दो बीरू बाला। तो आओ मेरे साथ इस डायन प्रथा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ते हैं। हम देवधानी के खिलाफ लड़ेंगे, हम देवधानी के खिलाफ लड़ेंगे, हम देवधानी के खिलाफ हम सब लड़ेंगे। आज की सुबह मेरे लिए रोज की तरह सामान्य नहीं थी। पिछले 3 दिनों की कठिन तपस्या के बाद मिली एक वरदान की तरह थी। जितनी खुशी मुझे अपने बेटे को बचाकर हुई, उससे ज्यादा खुशी गांव वालों के दिल में परिवर्तन से मिली। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, पर पता नहीं कहां से मेरे मन में आया कि मुझे डायन प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। गांव वालों का दिल जीतकर आज मेरे अंदर का आत्मविश्वास और बढ़ गया था। अपनी लड़ाई जारी रखने की ताकत मिल गई थी। कई ऐसी औरतों को बचाने की ताकत जिसे डायन करा देकर गांव से मार पीट कर बाहर कर दिया जाता था। सुनीला, तुमको समझ में नहीं आया? पूरा गांव वाला चाहता है तुम इसी वक्त इस गांव से चला जाए। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ तुमको कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती जब तक इसका बाप नहीं आ जाता। अरे बाप कैसा आएगा, उसे तो तू पहले खा चुकी है, वो मर चुका है, कभी वापस नहीं आएगा, और तू पूरा गांव को खा जाना चाहती है। ये सब उस तांत्रिक की वजह से बोल रहे हो ना? वो कौन होती है मुझे डायन कहने वाली? अगर मैं डायन होती ना तो सबसे पहले उसे कहा जाती। देखो 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 गांव वालों, ये कैसी बात करती है, इसका तेवर तो देखो। देवदानी सही कहती थी, इसको पत्थर डंडा मार के गांव से बाहर करना पड़ेगा। अरे कहाँ जाएगी तू? अपने गांव में लड़ो तब तक ठीक है, दूसरे के गांव में जाके नहीं लड़ सकती तू किसी से। दूसरा गांव? मुझे इस डायन प्रथा के साथ पूरे आसाम में लड़ना है, पूरे देश में लड़ना है। मेरो, मेरो।
अगर ये डायन होती तो तुम लोग इसे मार नहीं सकते। देखो इसे, ये भी आम इंसान है, हमारी तरह तुम्हारी तरह। इसे भी चोट लगती है, इसके शरीर से भी खून निकलता है, इसे भी दर्द होता है। तो फिर डायन कैसे हुई, बोलो बोलो मुझे। तांत्रिकों के चक्कर में फंसकर तुम लोग किसी को भी डायन बना देती हो और गांव से बाहर निकाल देती हो। ये बहुत बड़ा पाप है, इसके लिए ऊपर वाला तुमको कभी माफ नहीं करेगा। आओ मेरे साथ, मैं बताती हूँ तुम्हें कि कैसे अच्छी भली औरतों को डायन बनाया जाता है। ये प्रथा यही खत्म होनी चाहिए। तुम जीत गई वीरू और मैं हार गया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने उस देवधनी को जीता। अंधविश्वास में पागल लोगों को तुमने समझाकर इस गांव में चमत्कार कर दिया। मैंने तुमको कितना रोका डांटा, उस देवधनी के चक्कर में आके मैं पागल हो गया था वीरू। सिर्फ आप नहीं, पूरे गांव वाले पागल हो गए थे। उस तांत्रिक का जादू इस कदर छाया था कि कोई भी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं इस परीक्षा में पास हो गई। और ये लड़ाई छोटी नहीं है, हर गांव में ये समस्या है। लड़ाई लंबी है लेकिन लड़नी जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है इस लड़ाई को तुम बहुत आगे तक लेकर जाओगी और इसमें जीत तुम्हारी होगी। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। इस लड़ाई में अगर हम तुम्हारे साथ दे सके तो हमें बहुत खुशी होगी बिरुवाला। तुमने देवधानी को चुनौती देकर हम सबकी आंखें खोल दी है। हमने जो कुछ भी किया उस देवधानी के डर से किया। इसी डर के खिलाफ तो हमारी लड़ाई थी। देवधानी जैसे तांत्रिक डर और भय का माहौल पैदा करके अपनी रोटियां सेकते हैं और इंसान इनके कहने पर सुखी होने के लिए दूसरों को तकलीफ देने लगते हैं, अपराध करने लगते हैं। ऐसे ढोंगी तांत्रिक को जेल की सजा होनी चाहिए और किसी भी गांव में घुसने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से ये गांव बदला, हर गांव बदलेगा। बीरू बालाजी, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि इस प्रथा के खिलाफ आपने लड़ने का मन कैसे बनाया? 5-6 क्लास तक तो मैं भी पढ़ी थी, लेकिन मैंने बहुत बार सुना था कि ये तंत्र मंत्र सब बकवास और कोई भी इंसान डायन नहीं होता। जब उस तांत्रिक ने मेरे बड़े बेटे के ऊपर चुड़ैल होने की बात कही तब मैंने ये लड़ाई शुरू की। मुझे पता था कि मेरा बेटा बीमार है, ना कि उस पर कोई चुड़ैल सवार थी। आगे क्या करना चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि सरकार इसके खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाए। किसी को भी डायन बना देते, उसको गांव से बाहर निकाल देते, ये बहुत गलत है। न जाने कितने बेकसूरों ने इसके वजह से अपनी जान गंवाई है। हम सबको एकजुट होकर इस प्रथा के खिलाफ लड़ना चाहिए। और मैं इस लड़ाई में आगे बढ़ती गई। कुछ लोगों ने मेरा साथ देना शुरू कर दिया था। मेरी इस मुहिम से कई निर्दोष लोगों की जान बच गई। रास्ता कठिन था पर धीरे धीरे लोग समझने लगे, मेरी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचने लगी थी। सरकार ने भी हमारे प्रयासों को गंभीरता से लिया। कई सारे अवार्ड पाकर मैं खुश थी पर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती गई। असम विधानसभा में डायन प्रथा के खिलाफ कानून पास होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये मुहिम निरंतर चलता रहेगा जब तक मेरे कदम चलते रहेंगे।
हर लम्हा तैयार जो लिए मानवता और प्यार को किया खुशियों का इंतजाम इंडिया इन्होंने किया है तेरा नाम इंडिया सलाम इंडिया परमेश्वर जी तो देवधनी ने कहा था कि 3 दिन में तुम्हारा लड़का मर जाएगा पर ऐसा हुआ नहीं ये सब अंधविश्वास है हम महिलाओं को इससे दूर रहना चाहिए इसके खिलाफ कानून बनाना जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे गुनहगार लोगों को सज़ा दिलाना और गांव में पिछड़े लोगों को सच्चाई से अवगत कराना बिरबाला एक साधारण औरत थी लेकिन उन्होंने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था और साथ ही साथ उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि चमत्कार करने के लिए किसी दैविक शक्ति की जरूरत नहीं होती बल्कि असाधारण इच्छा शक्ति से भी कायाकल्प किया जा सकता है हमारी यात्रा यूं ही अनवरत चलती रहेगी तब तक के लिए आप सभी को खुशबू शर्मा का नमस्कार वीरूबाला जैसी महान शख्सियत को हम दिल से कहते हैं सलाम इंडिया